जब भी बात गहरे समुद्र में रहने वाले इतिहास के सबसे विशाल तथा खूंखार जीवों की होती है तो सभी के जुबा पर बस मेगालोडॉन का ही नाम आता है। लेकिन सभी कोई ब्लूप को तो मानो भूल ही जाते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि समुद्र इतना विशाल है कि इसमें कई ऐसे जीव पाए जाते होंगे जो मेगालोडॉन से भी ज्यादा खूंखार और विशाल होते होंगे। और इसी बात का पहला सबूत सन 1997 को मिला, जब समुद्र में एक रिसर्चर्स की टीम ने अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी डेटा को रिकॉर्ड किया, जिससे इस बात का अनुमान लगाया गया कि यह फ्रीक्वेंसी किसी विशालकाय समुद्री जीव की होगी, जो कि ब्लू व्हेल से भी ज्यादा विशाल हो सकता है। और लोगों ने उसके द्वारा निकाले गए ब्लूप की आवाज के कारण उसे ब्लूप कहा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके आकृति और संरचना का अनुमान लगाने लग गए। और ऐसी बात नहीं है कि यह घटना सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई, बल्कि जैविस माइथोलॉजी में भी ऐसे ही एक खूंखार दानव का जिक्र है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता अगर इस खूंखार से ब्लूप का मुकाबला विशालकाय मेगालोडॉन से हो जाता? तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें आज भी शार्क की कई ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती है जो बेहद ही खूंखार होती है, जिसमें से ग्रेट व्हाइट शार्क से लेकर टू हैमर हेड शामिल है। लेकिन सबसे विशाल आकार की शार्क व्हेल शार्क को ही माना जाता है, क्योंकि ये आकार में 10 मीटर से भी विशाल बढ़ सकती है। इसके बावजूद भी इसे बिल्कुल हार्मलेस यानी खतरा नहीं माना जाता। वहीं शार्कों का पूर्वज मेगालोडॉन आकार में व्हेल शार्क से काफी विशाल तो थे ही, पर इस बात से आप कभी उम्मीद ना लगाएं कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 18 मीटर से ज्यादा बढ़ने वाले ये शार्क अपने अग्रेसिवनेस और हमला करने के लिए जानी जाती है, यानी कि इसे अब तक का सबसे विशाल तथा खूंखार शार्क कहा जा सकता है। हालांकि आज ये शार्क धरती पर मौजूद नहीं है, पर आज भी कई खोजकर्ताओं का ध्यान इस विशालकाय शार्क की तरफ है, क्योंकि इसकी 18 मीटर से ज्यादा विशाल शरीर और 30 टन से लेकर 60 टन का भारी वजन किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और इसी आकार और अपने गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ये पूरे समुद्र में अकेले डोमिनेट करने वाले जीव थे, क्योंकि इसे हटाने की साहस किसी भी जीवों में मौजूद नहीं थी, जिस वजह से ये फूड चेन के बिल्कुल शीर्ष पर रहा करते थे। पर इसे जो दिखने में सबसे खतरनाक बनाती थी वो है एंगलर फिश की तरह दिखने वाले 300 दांत, जिसके दम पर ये किसी भी जीव को चीर फाड़ कर रख सकते थे। और कई खोजकर्ताओं का ये दावा है कि मेगालोडॉन की बाइट फोर्स 40,000 PSI तक होता था, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि इसका एक बाइट शिकार को बेहद ही आसान सा मौत दे सकता था। अब ये बात तो रही सिर्फ मैक की, पर जब बात ब्लूप की आती है तो पहली बार इसके आवाज को पॉइंट नीमो में सुना गया, जिसके बाद लोगों के बीच ये बातें होने लगी कि ये आवाज कथुलू की थी। अगर आप कथुलू के बारे में नहीं जानते तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, ताकि इस पर एक वीडियो में बना सकूं। खैर, इस वीडियो में अगर हम ब्लूप की आकार को कथुलू के आकार के जितना मान लेते हैं, वैसे में इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि गहरे समुद्र में इसका भी सामना कई जीवों से होता रहता होगा। पर इसकी आकार बेशक मेगालोडॉन से तो काफी बड़ी ही होगी, ऐसी स्थिति में ब्लूप ही वो जीव होगा जो मेगालोडॉन के हमला बोलने से पहले ही ये हमला करने को तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि ब्लूप मेगालोडॉन से साइज में बड़ा है, साथ ही इसके पास मेगालोडॉन के मुकाबले ज्यादा ताकत है, लेकिन रफ्तार में हो सकता है कि ब्लूप जरा धीमा होगा, क्योंकि अक्सर जीवों में ऐसा देखा जाता है कि जो आकार में जितना बड़े होते हैं वो उतना ही धीमे हो जाते हैं, यानी इस मुताबिक ब्लूप की रफ्तार मेगालोडॉन के मुकाबले धीमी हो सकती है। वहीं मैग की रफ्तार समुद्र की गहराइयों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, यानी इस बात से तो तय होता है कि लगभग 200 फीट जितने विशाल आकार के ब्लूप 60 फीट के मेगालोडॉन का पीछा कभी नहीं कर पाएगा। पर फिर भी ब्लूप जब समुद्र में मेगालोडॉन जैसे खूंखार जीव को देखेगा तो वो जरूर हमला करने के लिए मैग की ओर बढ़ेगा। और मेगालोडॉन भी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी गुस्सैल और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले जीव थे, इसलिए मेगालोडॉन भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ये समुद्र की गहराइयों में जाकर ब्लूप की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में प्रकाश उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि मैक का सरप्राइज अटैक सफल रहता। इसके साथ ही ब्लूप के अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी साउंड निकालने पर इस बात का पता चलता है कि इसमें एकोलोकेशन की भी खूबियां पाई जाती होगी, इसलिए ब्लूप मैक का पता आसानी से लगा लेगा, पर मैक की रफ्तार को ब्लूप कभी बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए चालाक मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में बड़ी ही तेजी से ब्लूप की ओर बढ़ता जाएगा, और अगर वो ब्लूप के करीब पहुंच जाता है
तो मेगालोडॉन ब्लूप के किसी नाजुक से हिस्से में हमला करने की कोशिश करेगा। और ये हमला अगर सफल भी हो जाता है तो इस बात की भी काफी संभावना है कि ब्लूप इस चोट को काफी आसानी से सह लेगा, लेकिन इस 200 फीट विशाल दैत्य का पलटवार शायद मेगालोडॉन को पसंद नहीं आएगा। हालांकि आज तक ब्लूप को किसी ने देखा तो नहीं है, पर इतने विशालकाय जीव का एक अटैक भी मैक के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। पर मेगालोडॉन अगर अपने साथियों को बुलाकर और मिलकर अगर ब्लूप पर हमला करते हैं तो इसमें बेशक मेगालोडॉन की ही जीत होगी, अन्यथा ब्लूप इस मुकाबले को काफी आसानी से जीत जाएगा। खैर, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।